नहीं सर। हाँ कुछ पूछना है सर। कौन सा स्टॉक मार्केट क्या है? ऑप्शन नहीं सर। नो तब क्लियर है लास्ट। निफ्टी का लेवल क्या था आज के लिए? अगर वीकली से वीकली लेवल पे था वहां से तो बहुत नहीं नहीं सर, वो लास्ट लॉन्ग के पास दिक्कत आया था ना निफ्टी को। वो मॉनिटर गया क्या? ओके हाँ सर, लेकिन वो पूरा ही लोअर लो कर दिया। ऑलराइट। इसका मतलब है हमने जो भी बात किया था ना, ये जो कैंडल्स का ये जो 11:20 इधर से ये कैंडल से, सॉरी ये कैंडल से ये कैंडल से लॉन्ग था करेक्ट, जब ये दिन पे आया था। आपको यस सर, दिख रहा है क्या? ओके जी सर। पास में कौन नहीं है सर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज हम कर रहे हैं। या ओ सेकंड हम लोग दो तीन लोग हाँ सर। सर कुछ पूछना है सर आपको? ये लेवल्स आपने मतलब देखा था कि मैं ये पूछ रहा था, उतना ही और कुछ नहीं है। हाँ, मैं देख रहा था, लेकिन उसके बाद वो फिर लोअर लो ही कर दिया। अभी इसको जाना ऊपर था, ये हाई रहेगा, ओके, हम उसको सीखेंगे, टर्न का समझना अभी सीखेंगे। यस सर। सर मैं आईसीआईसीआई बैंक में भी ओके मॉनिटर कर रहा था, वो भी लास्ट लॉन्ग से ही गिरा है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, अब देखेंगे। फाइन सर, अभी हम क्या करेंगे, जो ट्रेंड कंफर्मेशन होता है ना सर, ये पार्ट को हम जी अभी, सर। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना कंफर्मेशन में तो ट्रेड नहीं। हाँ क्लियर है ना? यस सर, जी अगर कोई सर। आपको गिरना है मान लो सर, ओके वो कैसे गिरेगा, टूट जी के ही गिरेगा ना? सर, सपोर्ट सही टूल। है ना सर? कोई सपोर्ट है वो गिरेगा करेक्ट। अगर कोई स्टॉक को ऊपर जाना है, कोई सपोर्ट को लेके ऊपर जाएगा करेक्ट, तो मुझे ये सब सर, कंफर्म होगा, वो हमें पता करना है। एक पॉइंट क्लियर है? अभी जी थियोरेटिकली इधर बता रहा हूँ सर, इसको आप चार्ट में भी वर्क करना, और जब तक इसको होल्ड नहीं आता है ना, इसके ऊपर आप ट्रेड मत करना। आप कितना पैसे से करो, क्या हाइपोथेसिस रखो, सारे वेस्ट है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपका जो भी क्वेश्चन है वो शूट करना मेरे ऊपर, फाइन। आपको जो भी है, एक ट्रेड में कंफर्मेशन कैसे होता है? गलती नहीं होती यस सर। ना, क्योंकि मैं जो हम जो ट्रेड कर रहे हैं, 1 रुपए डाल रहे हैं, समझ रहे हो ना, 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं। वो जो रिस्क ले रहे हैं, क्या वो सही जगह पे ले रहे हैं क्या, वो इंपॉर्टेंट है ना सर। सर, जी सर, पता है वो 1904 मिलेगा, 20 मिलेगा, 60 मिलेगा, हाँ ओके 1 रुपए जी में 4 रुपीज, ये भाई मिलेगा 4 रुपीज, ओके 20 60 ये सारे झूठ है। हाँ वो पेपर में होता है फाइन सर। सर, 1904 है हमारा टारगेट, ओके मतलब मैं 1000 रुपीज डाल रहा हूँ मार्केट में, मुझे 4000 मिलना चाहिए, दैट इज ट्रेड। ओके यस सर, यस सर। 1000 रुपीज जाएगा मेरा,
गंदगी नहीं जाएगा, मेरा अकाउंट जीरो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं जो ये 1000 रुपीज का ट्रेड ले लगा रहा हूँ, उसका स्टॉप लॉस किधर रख रहा हूँ मैं, वो इम्पोर्टेंट है। जब जी वो बिल्कुल खत्म नहीं होगा, आप कितना भी ट्रेड करो, 1000 रुपीज का 10 ट्रेड भी कर सकते हैं ना। मैं एक दिन में, मैं आपको बताया था ना, 9:30 9:40 के अंदर, ओके 9:45 10 o'clock के अंदर, ओके 12-13 ट्रेड्स किया था। बाई सेल बाई सेल बाई सेल, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। हाँ अभी कल से आपका हालत भी वही होगा, ओके अगर हाइपोथेसिस सही नहीं है तो। बाद में कंफर्मेशन करना नहीं आता है। अगर ऐसा है, आप भी बाई करोगे सेल करोगे, बाई करोगे सेल करोगे, ये सारे होगा। हाँ यस सर। ओके हाँ, लेकिन हमें अभी सीखना है तो स्टॉप लॉस किधर रखना है, तो मतलब कंफर्मेशन किसे करना है, ये पॉइंट क्लियर है सर। अगर मान लो इधर किधर भी जी सपोर्ट है, ओके इस सर हो सकता है सर, कोई इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम का हाई लो, ब्रेक इनसाइड लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल, और क्या क्या है सर, हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल, और क्या क्या है। कल का लो। हाँ जो भी है, कल का मतलब इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम का लो है ना, कोई टाइम फ्रेम का, अरे हो सकता है। जी अगर मान लो, रेंज का हाईएस्ट वॉल्यूम जी हाँ जो भी आपको पता है ना, हमने इतने दिन वही किया है, करेक्ट। हाँ उनको प्रैक्टिस करो, सर प्राइस इधर किधर भी खुला, ओके ये फटाक से नीचे आ गए, सपोर्ट होना चाहिए ना सर। मुझे यस पहले सर हाँ एक लेवल है, वीकली का लो था इधर, ओके ये सपोर्ट है, मुझे पहले ही पता है, करेक्ट। यस जी ऊपर खुलता है, दिस इज अ सपोर्ट, मैं सबको पता है। यस सर आई डूड लूज डूड, सॉरी आई मिस डेड, ओके। जब ये प्राइस इसके ऊपर खुलेगा ना, मुझे पहले ही पता है कि भाई ये क्या है, ये सपोर्ट है बोलते, करेक्ट। यस जब सर जब तक इधर कंफर्म नहीं होगा ना, मैं बाई नहीं कर सकता हूँ ना सर, यस करेक्ट। सर हाँ वुड भी टूट सकता है, नीचे गिर सकता है, सही है ना। तो यस सर कोई सपोर्ट कैसे कंफर्म होगा सर, सपोर्ट जनरेशन कैसे होगा, हाई यार हाई बनाने लग जाता है जो भी लेवल को, ये जो लेवल है ना, इसको हिट करते ही, इसको हिट करते ही हायर आई करना शुरू कर देगा। फाइन, अगर कोई स्टॉक हायर आई कर रहा है, इसका मतलब है इट इज क्रिएटिंग ए सपोर्ट इन दिस एरिया, क्लियर है ना। यस सर मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, जब मान लो ऐसे नीचे गिरते गया, ओके ये नीचे आ गया, हाँ वॉल्यूम का बात नहीं कर रहे हम, ऐसे नीचे आ रहा है, ओके फाइन सर। सर इसको हिट किया ना, अभी टच किया, देखो यस हायर सर आई करना चाहिए, इसका जी मतलब ये जोन पे सपोर्ट जनरेशन हो रहा है, क्लियर है ना। यस सर सपोर्ट यस है, सर आएगा इधर से ऊपर जाएगा, ओके जी ये स्ट्रक्चर आपको दिखना चाहिए। क्या होगा, ऐसे होगा, ये से भी हो जाए, ये क्या है, क्या बना सर, ये लोअर लो बन गया ना सर जी लोअर लो बन गए, करेक्ट। यस जी सर लोअर लो, अभी ये बन गए, अभी क्या है मुझे पता है, जब तक इसके ऊपर नहीं है, ट्रेड नहीं कर सकता ना। अगर इधर है प्राइस, पहले इसके ऊपर जाना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, जी ओके वरना यस सर जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं है तो मतलब सपोर्ट के नीचे ही है, मैं बाई नहीं कर सकता हूँ, करेक्ट। यस सर जब ये इसके ऊपर क्लोज हुआ ना सर, अभी क्या होना चाहिए, अभी हायर आई होना चाहिए अभी हायर आई फॉर्मेशन होना चाहिए, क्लियर है ना। लो वोलेटाइल नहीं, हाई यस वोलेटाइल, हायर आई होना चाहिए ओके। अभी क्या करेगा, प्राइस इधर तक आएगा, इधर से जाएगा, अभी तक का जो लो है दैट इज अ स्टॉप लॉस, उधर तक नहीं जाएगा, क्लियर है ना। जी यस सर हाँ ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको, ओके। यस सर रेजिस्टेंस पे पट्टी उल्टा है, लोअर लो बनना चाहिए, फाइन यस सर ओके। नाउ अगर मान लो कोई स्टॉक इधर इसके ऊपर खुला है, ओके इसके ऊपर खुला है, आपका हाइपोथेसिस सेल था, ठीक है इसके ऊपर खुला है, क्या आप इसको सेल कर सकते हो। दिखाई नहीं दे रहे सर कहाँ पर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं
ये सपोर्ट के ऊपर स्क्रीन फोकस। स्टक हो गई, स्क्रीन स्टक हो गई लगता है सर। नहीं उसी स्क्रीन पे है। ये सबको ऐसे हो रहा है। नहीं 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 सर, सर, आप दिख रहा है आपको सर, ये चार कैंडल सेम और जो सपोर्ट अपने ड्राइंग में बनाया है वही है ना। सेम पॉइंट पे आपने मार्क कर दिया ना, ठीक इसलिए उनको दिखा नहीं है। इसी पे सर मैं है ठीक है। हाँ क्या बोल रहा हूँ, प्राइस हाँ लेवल के प्राइस ये मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल था उसके ऊपर खुला। ओके, क्या मैं इसको सेल कर सकता हूँ? इसको नहीं नहीं कर कर पाएंगे सर, सकते, इससे भी घूम जाएगा। रेजिस्टेंस तो सेल करेंगे ना सर, कोई नहीं रेजिस्टेंस कर से पाएंगे सेल करेंगे। मतलब एक से आ गया प्राइस दो ऊपर खुला है नीचे आ रहा है। ओके, क्या मैं इसको सेल कर सकता हूँ? नहीं सर, नहीं सर क्लियर है ना, क्योंकि यस इस सर, समझ रहे ना, अगर मैं इसको सेल करना चाहता हूँ ये नीचे ना सपोर्ट पे नहीं आना चाहिए, कोई रेजिस्टेंस है ऊपर पे जाके नीचे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। यस सर, उसके बाद इधर इसका सपोर्ट ही है ना, ये जो कुछ भी करे ये तो सपोर्ट ही है ना। हाँ अभी क्या है, अगर इसको टूटना है ना सर, इसका जो सेक्टर है लो के नीचे ट्रेड होता हुआ दिखना चाहिए, कल का लो है ना सर ये, ओके, इसके लो के नीचे ट्रेड होता हुआ दिखना चाहिए, इसका मतलब ये सपोर्ट है। करेक्ट, यस सर, मतलब ऐसे मत सोचो, कोई ना कोई सपोर्ट के नीचे है ट्रेड होता हुआ आपको दिखना चाहिए। मतलब ओके, क्या है, इसका मतलब ये है, अगर मान लो एक कोई स्टॉक का ऐसा था। ओके फाइन सर, सेक्टर ऐसा था मान लो। यस, अभी क्या है हाँ तो ओके, और एक एमएल मान लो। ओके ओके ऐसा ही है। देखो अगर इसको गिरना है ना सर, एक्चुअली इसके लो के नीचे ट्रेड होना चाहिए वो आपको पता है, करेक्ट। लेकिन ये सपोर्ट को इसने तोड़ा था ना सर, ये सपोर्ट को इसने तोड़ा था, करेक्ट। यस सर, ये सपोर्ट है ना, अगर इसके नीचे भी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है आपको, हाँ यू कैन टेक ए ट्रेड, ये हायर ही फॉर्मेट में। ओके मैं इसको यस चार्ट में सर, दिखाऊंगा। बट हाँ मतलब ऐसा पूछना, जैसे कल आपने निफ्टी के लिए बोला था ना, वो जो यहाँ पे सपोर्ट तोड़ करके नीचे गिरा था 5 तारीख को, उसके ऊपर खुला, फिर लाइक अगर मेरे को कोई स्टॉक शॉर्ट करना है और वो सपोर्ट पे आ रहा है, तो यहाँ निफ्टी भी तो सपोर्ट पे आ रहा है, मतलब गिर गया वो अलग बात है। बात ना सर, अब इसका बात कर रहा हूँ, पांच का तो हाँ, देखो ये सर, इस लेवल पे आके, हाँ हाँ ये पहली है ना सर, ये रेजिस्टेंस पे गया, समझ रहे हो ना। हाँ देखो ये जब नीचे गिरा था ये पहले सपोर्ट था ना टूट गया, वही उसी का बात कर रहे हैं आप, करेक्ट। हाँ मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आज के दिन में निफ्टी इस सपोर्ट पे आके हायर हाई स्ट्रक्चर भी बनाया और कैंडल्स भी बनाया है ना। इस केस में अगर मैं स्टॉक को शॉर्ट किया हूँ किसी रेजिस्टेंस पे, और निफ्टी भी यहाँ पर आके ऐसा लाइक हायर हाई कर रहा, और उधर स्टॉक भी कोई सपोर्ट पे आके ऐसा फॉर्मेशन कर रहा, तो फिर मतलब गिर गया वो तो बाद में पता चला ना, बट वो लाइव मार्केट में तो मन विचलित होता है कि ऊपर जा सकता है देखो सर, या आपने सपोर्ट ले सकता वो ये भी पता होना चाहिए ना, इधर एक लेवल था, करेक्ट। है। हाँ सही है ना, इधर एक लेवल था ना सर इसके ऊपर, ये इसको देखो ये इसके ऊपर खुला है ना सर, मैं इसको हटा रहा हूं, इसके ऊपर खुला ना सर। यस सर, अभी ये लोअर लो किया ना, लोअर लो किया, अगर ये गलती से किया है ये क्या हाँ ऊपर क्लोज करना चाहिए ना, बाद में हायर ही करना चाहिए, ये नहीं हो पाया, करेक्ट। हाँ उसके बाद इधर तक नीचे आया, हाँ बाद में ऊपर जाके नीचे आया ना, वो लेवल को अभी तक टच नहीं किया है, हाँ समझ रहे हो ना सर। बाद में वो जो पहली बार
इधर इसने हिट किया है, समझ रहे ना, इसको आप देखो ओके हिट कर दे, हायर ही करना शुरू कर दिया करेक्ट। ओके समझ गया। मतलब अच्छा इधर तो टच, हाँ सही बात है, इधर टच ही नहीं किया इस लेवल को। ऐसे हुआ है, मानते हो ना, सही है क्या? हाँ, ऑलरेडी लोअर लो कर रहा है, लोअर लो समझ लो ना, जिगजैग लोअर लो कर रहा हाँ है, ऑलरेडी लोअर लो है सर, समझ रहे हो ना। हाँ मतलब ठीक है, अभी समझ में आ गया। मेरे को लगा कि लाइक जैसे इस लेवल पे टच टच नहीं किया, ठीक है अभी क्लियर हो गया। बट शुरुआत है ना, अभी दिख जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो इधर से ठीक नीचे है आया, ऊपर गया, नीचे आ गया ना, लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है कट। हाँ आपको इधर दिखेगा, जब इधर तक का लो बनाए थे इधर एक सपोर्ट बनाया था करेक्ट, इधर हाँ एक सपोर्ट बनाया था, मानते हो? हाँ हाँ राइट कैंडल, इधर एक सपोर्ट बनाया था करेक्ट, यस सर। सपोर्ट को नहीं टूटा, ऊपर जाने लगा करेक्ट। ऊपर जाते समय आपको ये समझ में आ गया, ये कैंडल ने सपोर्ट को तोड़ दिया करेक्ट, ये सपोर्ट को तोड़ दिया, सपोर्ट को तोड़ दिया, इधर एक रेजिस्टेंस बना, दिख रहे हैं सर क्या, वही लेवल से एक गिरना शुरू कर, वो जो रेजिस्टेंस है यस सर अभी क्या यस है, सर दो लोग किया है ना सर, अभी ये लेवल पे जाना चाहिए इसको, कौन ओके सा लेवल है, मेरे जो सपोर्ट है ना उधर तक जाना, जाके उधर से गिरना है इसको, गिरना भी है उधर तक, ये नहीं जाएगा क्योंकि इधर एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस बना चुका है करेक्ट, तो बना दिया, ठीक है हाँ उधर तक नहीं जाएगा, इधर से ये गिरना शुरू कर दिया करेक्ट। अभी देखो इधर तक ये क्या कर दिया सर, लोअर लो ब्लॉक कर लोअर दिया लो कर दिया, ऐसा नो सर, एक नया लो। यस जी नया लो बना दिया, अभी नया लो बना दिया, बाद में इसने हायर हाई करने का शुरू कर दिया, जी समझ रहे हो सर, इधर हायर हाई करेक्ट सर सर, इसमें स्ट्रक्चर लोअर लो बना है क्या, लोअर लो बना के आ रहा है ना, हाँ जी सर अभी ये क्या करना चाहिए सर, सिंस द स्ट्रक्चर अभी ऑलरेडी लोअर लो बन चुका है, ये सपोर्ट है ना सर, मतलब जी या जी एरे कर रहा है तो ये जो सपोर्ट है, इनफैक्ट इधर से आके ऊपर जाना चाहिए करेक्ट, अगर ये केस में इसका जिगजैग अपसेट में बनना चाहिए, वो समझ रहे हो, यस इसका सर मतलब क्या है, ये इधर तक नीचे गिरा ना, जी ये इधर तक ऊपर गया करेक्ट, यस सर अभी जो एक लोअर लो बनेगा, पता नहीं ये किधर तक ऊपर जाएगा, ओके तो ठीक एक लोअर लो करेगा, वो लोअर लो करने के बाद हायर हाई कर दिया ना स्ट्रक्चरली, है इस हाँ हाँ ओके ठीक प्राइस इधर तक आएगा जाएगा ऊपर, ये केस में वो चीज नहीं हुआ है सर, क्लियर है ना। हाँ मतलब वही पूछना था, जैसे जब अभी तो समझ में आ गया, बट ऐसा ऐसा सिनारियो भी आता है कि जब वो पहली बार लोअर लो किया स्ट्रक्चरली, फिर उसके बाद हायर हाई किया, वो कभी कभी मतलब ऐसा होगा कि इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेके हायर हाई करने लग जाएगा, जो अभी टच नहीं किया है। सपोर्ट ही है ना सर, वो सपोर्ट ही है, ये सपोर्ट ही है ना, उधर रिएक्शन तो ओके आना ही है सर, ओके सर रिएक्शन, तो हेलो तो हाँ सर, सर मतलब आपने ये बताया, अगर फर्स्ट अगर स्ट्रक्चर लोअर लो बना दे तो हम सपोर्ट पे मतलब हम हायर हाई स्ट्रक्चर को देखेंगे, हायर हाई फॉर्मेशन को नहीं देखेंगे, है करेक्ट सर, करेक्ट ना सर? सर, ओके सर ओके सर सर अभी मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट क्लास में जब आप इसकी इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो आपने इसमें की बात ये भी बोली थी, निफ्टी में तो चलो वो अप्लाई नहीं होगा बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, कि जब स्टॉक स्ट्रक्चर बना के ऐसे नीचे गिर रहा है या फिर टच करके उसने एकदम से फॉर्मेशन हायर हाई की कर दिया है,
उसको तो हम मानेंगे नहीं कि वो सपोर्ट कंफर्म कर रहा है इन अ बाय सिनेरियो, बट अगर वो वॉल्यूम के साथ नीचे क्लोज कर देता है नेक्स्ट टाइम जब टच करता है, और फिर उसके बाद क्लोजिंग उसकी वॉल्यूम कैंडल के ऊपर हो जाती है, तो उसको मानेंगे। क्या है तो उसके फिर पीछे सर लॉजिक क्या है सर, मैं समझ भी नहीं। क्यों मैं सब कुछ एक और करने वाला हूँ, ये इम्पोर्टेंट लेवल था। ओके क्योंकि हाँ जी, यस इतने तक आ गया है। ओके फाइन सर, सर, अभी क्या है यस नीचे सर, ऐसे तो फाइन यस ये सर, ठीक वॉल्यूम मान लो इतना था। यस सर, अभी क्या है नेक्स्ट कैंडल जो है ना, जो आता है ये लोगों को तोड़ेगा नहीं। ओके हाँ जी, ठीक है, लो को नहीं तोड़ेगा, बिना ये लो को तोड़ने के ये इसके ऊपर जाके क्लोज करेगा, ये जो सेल्फ होता है ना सर इसके ऊपर कंफर्म पूरे कैंडल के ऊपर ठीक है। कर दिया हो गया सर। ओके भाई, लॉजिक क्या है इसके पीछे? हाँ इधर सेल किया है लोगों ने, सेलिंग आया है लोगों का, समझ रहे हो? सर, अगर हाई वोल्टेज बनता है विद हेवी वॉल्यूम तब भी मन आया नहीं, आपको? लो नहीं तोड़ेगा ना, हाई वोल्टेज का वैल्यू नहीं है। लो नहीं तोड़ना चाहिए हाँ सर, मतलब अच्छा, नेक्स्ट कैंडल में ही क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। हाँ यस नेक्स्ट कैंडल में जल्दी से गिरा है, फटाक से ऊपर ले जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल में, दिखाता हूँ। करेक्ट, वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए वॉल्यूम बढ़ना ही है जी सर, सर, इससे ज्यादा वॉल्यूम तो ओके, वॉल्यूम उससे ज्यादा से ठीक है। और वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो वो नहीं वैलिड नहीं है। कुछ नहीं है, अभी देखो ओके अभी क्या हुआ, अगर मान लो ये वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, ओके ऊपर गया है ठीक है जी, सर, क्या है इसके यस ऊपर सर। एक हाईवे बनना चाहिए, अच्छा, एक और हाई एयर बनना चाहिए। बनना चाहिए। इसका मतलब है इधर एक सपोर्ट फॉर्मेशन पता है ना, वोलेटिलिटी मेथड, यस सर, इधर भी एक रेड, रेड रेड ग्रीन ग्रीन हो गया ना, इसका मतलब है इधर सपोर्ट जनरेशन हो रहा है, ये बता रहा है ये सपोर्ट जनरेशन हो रहा है एक केस में। इसका यस सर, कंफर्मेशन कब होगा, इसके ऊपर और एक कैंडल बनेगा, इसका लो को नहीं तोड़ेगा, मतलब हायर एक कैंडल इसके ऊपर बनेगा, ओके समझ जी, रहे हो भाई? हाँ। गलती हो गई, रेड कोई गलती भी कलर का बने, बस हायर आई फॉर्मेशन होना चाहिए। यू विल मेक ए गलती, हाँ आई नो, बट यू इफ यू टेक इट, मतलब फोकस करो इधर मैं जो बता रहा हूँ। ओके आप ये बोलते सर सपोर्ट क्रिएट हो गया था, मैं बाई कर दिया, क्यों गिरा? क्योंकि इसके ऊपर एक हायर आई फॉर्मेशन होना चाहिए, ये पॉइंट क्लियर है ना सर? यस सर, अब जब वो वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं है तब ओके जी, ये किधर भी ये ओके कहता ना, इधर आएगा इधर से ऊपर जाएगा ये प्राइस। अभी निफ्टी का हालत भी देखो, इधर इसने हायर आई इधर किया ना सर, यस सर, इधर वॉल्यूम तो हम नहीं देख सकते, ये तो क्लोज किया है हमें पता नहीं है, इसके ऊपर एक हायर एक फॉर्म चल रही है को, ये हाई वोलेटाइल बन गया, समझ रहे हो? समझ यस सर, तभी ये गिर गया। ठीक, रहे हो ना, कंफर्म सही नहीं कर रहा। हो रहा है, ओके सर, पॉइंट क्लियर है सर? यस बाद में ये नीचे आ गया ना सर, यस सर, अभी क्या होता है सर मार्केट में, मार्केट में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर तो बनता रहता है, हम हर एक कैंडल को नहीं देखते सर, समझ रहे हो ना? मैं इधर देख लिया तो उसका जो टारगेट है, उसका जो टारगेट है वो किधर है मैं देखता हूँ, क्लियर है ना? देखो यस सर, ये ऊपर जा रहा था ना सर, जब ये ऊपर जा रहा था ये एक कैंडल था जो क्लोज किया था अपसाइड में, यस सर, यही है ना, क्लोजिंग आया है और किसी का नहीं आया है अभी तक, यस सर, यस क्या है कि सर ये कैंडल में आया है करेक्ट, इसके ऊपर और किसी का क्लोजिंग नहीं आया, सर, देखो ये कैंडल के ऊपर इसने क्लोज किया है ना, यस सर, जी इसको सर, तो नीचे गिर जाएगा। ओके ये छोड़ दो, अभी अभी जो ये कैंडल है ना ये विग्गे रेखो में मार्क कर रहा हूं। ओके ये यस सर, अगर मेरा जो इंपोर्ट लेवल इधर से गिर रहा है तो इधर तक तो आना ही है सर इसको, क्लियर है ना? यस सर, दिख रहा ना ये जोन पे इसको आना ही है सर, जी सर, ना इस दिशा सपोर्ट एरिया, अगर प्राइस ऊपर है मैं इंपोर्ट लेवल को मार्क किया हूं तो सपोर्ट ही है ना, जी यस सर, ये सपोर्ट ही है ना सर,
जी सर, जी इसमें सर, सर जो इन्होंने अभी बताया वो भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, हायर हाई बन गया है दो ग्रीन के बाद। इधर सर, यहीं पे ये सपोर्ट कंफर्मेशन भी हो गया ना सर, यहीं पे ये रेड कैंडल हायर हाई है। कंप्लीट कर लेता हूँ सर सब कुछ। आपको ये करना है एक चार्ट से, नहीं कोई एग्जैक्टमेंट नहीं चाहिए सर इसमें। आपका क्या मैं आंखे में ये आना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, ब्लड आना चाहिए। तब तक ये चार्ट को एनालाइज करना है, तभी आपको होल्ड में आएगा। ओके, नहीं तो ये सिर्फ कहानी है। हाँ जी देखो, ये लोअर लो बना सर, इधर लोअर लो बना, यस सर, लोअर लो ने बने को ये ऊपर गया सर, ऊपर गया तुरंत, हायर भी पेंगे। यस ऊपर गया ना सर। सर, लेकिन उस कैंडल के ऊपर नहीं क्लोज हुआ है, हाँ वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर नहीं क्लोज हुआ है। सर, मैं स्ट्रक्चर का बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ ये सर हाँ ये हायर, नीचे की ना यस सर, कैंडल के ऊपर क्लोज हो गया करेक्ट, यस सर, यस उसके बाद क्या हायर आई बना सर, मतलब इसके यस हायर सर, यस आई है करेक्ट। सर, देखो सर ये हायर बन रहा है तो ये वाला सपोर्ट है, आपको दिख रहा है सेकंड कैंडल, ये कैंडल में ही फटाक से ये टूट गया, यस सर, ये टूट गया ना सर। यस सर, अभी क्या है, एक हायर बनना चाहिए, ये लो ही टूट जाए, सपोर्ट ही तोड़ रहा है ना सर, यस सर, ये सपोर्ट तोड़ रहा है ना। अभी देखो इसके हाँ नीचे, ये इसके नीचे भी आ गया, इसका मतलब है अभी तक का जो लो था ना सर वो तोड़ने वाला है। ओके, ये क्लियर है सर? यस सर, यस सर, अभी देखो इधर से देखो सर, इधर लो बनाया ना सर, यस सर, ये नीचे इसके ऊपर गया सर इधर, यस सर, अभी जी सर, ऊपर गया, इसके ऊपर भी गया, हायर हाई फॉर्मेशन हो गया इधर, देखो हायर हाई फॉर्मेशन है, हायर यस सर, तो सपोर्ट हो गया। हाँ हाई फॉर्मेशन है सर, यस सर, ये सर तोड़ा ना वो लेवल को, ये लेवल को जो कैंडल ऐसे तोड़ा था ऐसे ही इसने कैंडल, ये कैंडल भी तोड़ दिया करेक्ट। यस सर, यस सर, अभी क्या होना चाहिए, ये लो टूटना चाहिए, नहीं है सर सटाक से ये ऊपर गया ना, ये इसके ऊपर, यस हाँ सर, मतलब इधर तक ऊपर गया था, इनफैक्ट ये हाई वोलेटाइल है सर, लो लो ही नहीं बनाया है अभी तक का, यस ये हाई हायर हाई है सर, ये हाई वोलेटाइल है, यस, हाई कितना फिर हाई आ रही है, नहीं फिर हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, वोलेटाइल है, ये भी हाई वो भी हाई वोलेटाइल, वोल्टेज है, ये इधर तक अब गया, हाई आ रही है। हाँ इधर तक गया सर। ओके के यस सर, बाद वही सपोर्ट से ऊपर समझ घूम गया, जी रहे ना। ओके सरप्राइज इधर किधर भी खुला है करेक्ट, मैं सिर्फ जिगजैग को मतलब ये जो सपोर्ट को कंफर्म करने का तरीका बता रहा हूँ एज एग्जाम्पल। ओके सर, ये कल का हाई है क्या सर, यस सर, जी ये कल का हाई है ना, क्या इसके ऊपर खुला सर, यस सर, है, मैं कोई इंपोर्टेंट लेवल को मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ, ये कल का हाई है, हाई के ऊपर खुल रहा है ना, यस सर, जी सर, ये ऊपर खुल रहा है तो ये सपोर्ट होना चाहिए, हाँ सर, सपोर्ट होना चाहिए, यस तो ग्रह इधर तक किधर से जी, आपको दिख रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन शुरू हो गए, जी अभी क्या है एक रेजिस्टेंस फॉर्म होना चाहिए, उधर से ये निकलना चाहिए बाहर, ये ओके हायर हाई फॉर्मेशन है सर, जब हायर हाई फॉर्मेशन होगा तो रेजिस्टेंस बनेगा, नहीं तो ये लेवल पे आएगा इधर से निकलेगा बाहर। ओके जी ये हायर है बना सर, नेक्स्ट कैंडल ने वो लो को तोड़ दिया सर, तोड़ यस दिख सर, रहा है, ये लो को तोड़ दिया ना सर, ये लो नहीं जी है सर, जी ये लो है करेक्ट। अभी क्या है, ओके गलती से गिरा, ये फटाक से ऊपर गया ना सर, जी ऊपर होने के बाद क्या होना चाहिए सर, हायर हायर बनना चाहिए, इधर बना है ना,
सही ना? सर, यस सर, क्या बात कर रहे हो सर, इज इट हाई हायर आई? ये लो वॉलेटिलिटी। क्या है सर? हायर हाई बन गया ना सर, हायर है ये ना सर, लो क्या हायर है सर? वॉलेटाइल, लो लो वॉलेटाइल। वॉलेटाइल नहीं है, हाँ नहीं तब ग्रीन कैंडल है ना, लो लोअर लो, ग्रीन कैंडल तक लोअर लो है उसके बाद। मैं कंफ्यूज हूँ। ओके फाइन, ये तो कंफर्म नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? डिफरेंट ये हायर है, ये लोअर लो 42.2, ये लो वोल्टेज ना सर, ये कंफर्म कर हाँ लो। सर, तब तो लो वोल्टेज है सर, दो मुझे प्रॉफिट मिलता है वो, उससे मतलब नहीं है, वो प्रोसेस रॉन्ग नहीं होना चाहिए सर। दिस इज ए लो वोल्टेज कैंडल सर, जी। सर मेरा क्वेश्चन है ये हायर ही बना ना इसके हिसाब से। हाँ हाँ बना सर, लेकिन वो भी लो वोल्टेज है ना सर। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हायर ही बना इधर? नहीं मतलब नो नो ये जो बना इधर बना सर, क्लियर ना? जी यस समझ लो ये कैंडल में बना है सर, सर, कोई कंफ्यूजन है केस में? कोई कैंडल ट्रेंड में नहीं है सर, जो कैंडल हायर ही बना ये कैंडल है। ठीक जी ओके समझ सर, लो सर, हाँ यस सर सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? जी, कन्फ्यूजन नहीं है सर, जो कैंडल ने पहली बार जो हायर ही किया, मतलब ये तो प्राइस इधर, ये हायर ही करना इधर शुरू कर दिया, करेक्ट? यस सर, यस सर, फिर एक बार ये लोगो थोड़ा, सर तो ये लो टूटेगा। ठीक है हाँ क्योंकि इधर एक हायर ही बनना चाहिए था ना सर इसके ऊपर, यस ये लो टूटने वाला है आपको पता है करेक्ट? यस सर, ये लो टूट गया, इसका मतलब है क्या अभी हाँ भी लो से फॉर्म है, हाईस नहीं फॉर्म हो रहा है, समझ रहे हो ना? लो टूट रहा है अभी तक का क्या है, डाउन डाउन ट्रेंड ही है ट्रेंड ही है, ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है, क्लियर है ना? यस ये सर, देखो इधर देखो, ये इधर तक गया, लोअर लो किया यस सर, 47, 47.9, 47, ये कैंडल में हायर है किया, ओके? यस सर, नहीं इसको हटा रहा हूँ, इसको रीड करना सर। देखो ये गिरा था ना सर, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, देखो ये लेवल के ऊपर गया, लेवल के ऊपर गया ना, यस सर, अभी क्या होना चाहिए था? हायर हाई होना चाहिए। हायर हाई बनना चाहिए था करेक्ट? यस ये लोअर लो होना सर, सर, हाँ ये लो लेकिन भी फिर टूटेगा, आप ठीक है, बट अगर फिर से लोअर लो बना तो फिर से चांसेस है कि वो लो टूटेगा। ये लो टूटते ही हैं। अगर ये सपोर्ट है ये हायर ही करेगा इधर, हमने इधर जो देखा ना सर, ओके हाँ इधर जब वो प्राइस इधर ऊपर था लो वोल्टेज कैंडल था करेक्ट, इधर पहली बार हायर बना, इसके ऊपर एक हायर ही बनना चाहिए था करेक्ट? यस ये लो टूटने वाला है अभी, इसके ऊपर गया, ये तो हायर ही करना चाहिए था, ये तो लो वोल्टेज कर दिया, सही तो है ना? इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दिस इज नॉट ए लो, ये टूटने वाला है, ठीक है यस, सही बात है, टूटा क्या सर? हाँ टूटा इसके बाद आपको जो भी करना है करना है, देखो ये टूटा है सर, है ओके टूट गया, ये टूट, यस अभी सर, ये ऊपर गया, देखो वो लेवल, ये हाँ लेवल, अब हाई कर दिया, हाँ यस सर, पर गया है, एक हायर एक फॉर्मेशन होना चाहिए, हो गया, यस सर, सही है ना? इसका मतलब क्या है? यस सर, यस सर, दिस ये इज सपोर्ट है अब, इधर से ऊपर होना चाहिए, यस सर, वही हुआ है, तो मतलब इधर तक गिरा है, मतलब इधर हायर ही बना, क्या बना क्या नहीं बना बातें करते रहते हैं, ये चीज देखना। ओके हमें पता होना चाहिए यस सर, नहीं फीडबैक, आपको पता होना चाहिए।
इधर किधर भी आपने एंट्री किया, किधर भी स्टॉप लॉस लगाया डे लो को, कितना ही होगा? होगा तो हाँ फिर हाँ ओके फाइन, इधर से जी फॉलो कर दिया करेक्ट सर, यस सर। हाँ क्या करेगा मतलब ये ऐसे करेगा ना सर, ये सपोर्ट है, आप देखो इधर आप कर रहे हो ना डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉप लॉस, लो इज द स्टॉप लॉस क्लोज प्राइस पे एंट्री होगा। ठीक है सर, ठीक इधर से एंट्री कर रहे हो, ये तो बड़ा है सर, कौन लेता है? ओके तो यू वेट फॉर द, है ये ऊपर गया ना सर, इधर आपको दिख रहा है इधर एक रेजिस्टेंस बना है ओपन प्राइस सर, हाँ नहीं बना हाँ बना है। हाँ रेजिस्टेंस बना है ना सर, यस सर। ये जो ब्रेकआउट है ना सर, ये जो ब्रेकआउट है मतलब ये तो सपोर्ट के ऊपर आ रहा है ना, ये तो ब्रेकआउट ही करना है, दिस लो इज द स्टॉप लॉस, इसका जो हाई है ना दैट इज द, ओके ये पॉइंट क्लियर है सर? यस सर। बाद में इधर भी एंट्री कर सकते हो सर, डिपेंड्स 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 ऑन योर प्रैक्टिस, दे दो ग्रीन दो रेड बनाया था, हाँ दो रेड बनाया क्या उसके ऊपर जी कंफर्मेशन भी हो गया है क्या? सर, ये लो था ना सर, इधर से उठा है ना ये दो ग्रीन दो सर। रेड वाले में सर हम हाई वोलेटाइल लो वोलेटाइल को मतलब इग्नोर नहीं करेंगे, इसको लेंगे इस वाले वॉलेटिलिटी मेथड। मतलब, लेकिन उसके ऊपर एक हायर ही होना चाहिए। यस सर। ओके हाँ आपको बताया दिस इज द स्टॉप लॉस नो, ये जो लो है दर इज द स्टॉप लॉस राइट, यस सर। जेएसडब्ल्यू स्टील में एक एंट्री किया था, जेएसडब्ल्यू स्टील में मैं एक एंट्री किया था क्योंकि सर देखो ये लोअर लो स्ट्रक्चर था, ये नीचे गिरा था ना, ये यस नहीं सर। अभी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग था सर, इसके ऊपर खुला है तो ये लेवल तक आना चाहिए, इनफैक्ट आपको जो ढूंढना है ना सर, जब ये गिरते समय किधर भी एक सपोर्ट को टूटा हो क्या आया होगा, यस सर। ये सपोर्ट को इसने टूट के आया था ओके, इसके नीचे क्लोज गया था फाइन सर, ये रात में यस सर। ये लेवल्स अगर चार्ट को स्टडी कर रहे हो तो ये रात में पता है आपको, लाइव मार्केट में नहीं ओके, इसको हिट करते ही सर हायर आई करना शुरू कर दिया, किधर सर सपोर्ट तो उससे पहले भी जनरेट हुआ है सर, हुआ सर? यहाँ पे हुआ है सर, ये 12 12 o'clock से पहले। फिर हायर आई कर दिया है ना। किधर सर? 12 o'clock, हाँ जी हाँ यहीं पर सर, यहीं 12 o'clock इधर यही नहीं, मुझे थोड़ा सर 5 मिनट। नहीं। आपको ये जो सपोर्ट है ना सर वो आता रहता है, ये इधर तक लो आया था, किधर भी लो इधर तक आया था ना, इधर तक हाई बनाया था करेक्ट, सही ना सर, इधर तक का यस सर लो यस सर। इधर तक का हाई बनाया था, मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसे डाल रहा हूँ, अगर आप ये बोल रहे हो ये सपोर्ट है ओके, इधर एक सपोर्ट जी जनरेट जी जी हुआ, अभी क्या होना जी ये इसको लेके ऊपर जाना चाहिए ना इधर से, ये तो नीचे गिर गया ना, ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया, ओके किसे ये सपोर्ट को तोड़ के कंटिन्यू किया ना, ये सपोर्ट को तोड़ के ये कर रहा है ना सर, अच्छा, जिस सपोर्ट के बाद एक बार भी ऊपर ना गया हो लास्ट। ये समझ रहे हो क्या, ये सपोर्ट को तोड़ के लो बना दिया,